जय जनता। हेलो एवरीवन, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड जनता, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक, वेलकम बैक। इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, अगर मेरी आवाज आ रही है तो फटाफट से चैट बॉक्स पे थोड़ा सा मूवमेंट मुझे दिखाओ एवरीबॉडी। कहाँ है मोगैम्बियंस? आर दे हियर? Hey guys, welcome back. Welcome back to Vedantu G channel, everyone. Finally, Mogambo got the second haircut of the year. मेरे बाल दूसरी बार काटे गए हैं इस साल। हाँ, तो कैसा लगा Mogambo का नया लुक, वो जरा चैट बॉक्स पे बताओ। कितने लोग आ गए भाई रे? थैंक यू अजय, थैंक यू स्वेकर। हेलो हेलो हेलो, हाय सोहम, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन एवरीबॉडी। थैंक यू वीएसके चैतन्य, कितना अच्छा झूठ बोलते हो तुम सब लोग। हाँ, गुड, झूठ अच्छा लगा मुझे, मेरे लुक्स तुम्हें पसंद आए, आई लाइक दैट। ऑल ऑफ यू, यू गाइज आर सुपर डुपर वूपर हेल्पफुल, है ना? तो उसी नोट पे चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और रीजन दे देता हूँ, मैं चैट देख रहा था, किसी ने चैट पे लिखा था, शायद वीएसके चैतन्य वाज आस्किंग कि क्लास क्यों, टाइमिंग क्यों चेंज हो गया है। दो रीजन है, एक तो मैं खुद कहीं बाहर था तो थोड़ा सा सेटअप करने में टाइम गया, बट मोर देन दैट आई वुड से आई एम लकी कि आज क्लास 2 बजे स्टार्ट हो रही है। गेस व्हाट वाज हैपनिंग टिल 2 o'clock, क्या हो रहा था 2 बजे तक? बहुत बड़ा कोई उसके लिए बहुत बड़ा हिंट की जरूरत नहीं है, मेरे सेशंस में यूजुअली यू नो तालिबान वॉर चल रहा होता है। एग्जैक्टली, नीचे वाला जो अपार्टमेंट है वहां पे चल रहा है ड्रिलिंग का काम, रेनोवेशन का काम, बिकॉज ऑफ दैट द सेशन वुड हैड बीन एनी विच वे इंटरप्टेड, और अब हमें वो नॉइज नहीं आएगी। ओके, थैंक यू सो मच अंकित। तो आज हमें वो बैकग्राउंड नॉइज जो आती थी जोरदार अनबियरेबल, वो नॉइस हमें नहीं परेशान करेगी, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सेशन, सब लोग रेडी हैं? ओके, डेफिनेटली सो हम होगा यार सेशन, हम सारे वापस से होने लग जाएंगे नॉर्मल सेशंस, बिकॉज नाउ द जेई फॉर 2021 जेई मेन इज ओवर, है ना? तो अब तुम लोगों के सेशंस जो रेगुलर चलते हैं बिल्कुल वैसे चलेंगे। इनफैक्ट हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं जिससे कि तुम्हारा सिलेबस जो है वो और एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाके कंप्लीट हो जाए, और फिर हम लोग जनवरी अटेम्प्ट के लिए और भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, तो चलो भाई, ऑल ऑफ यू, आई होप एवरीबॉडी हू इज हियर इज रेडी। तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, है ना? दोस्तों को बुला लो, क्लास के टाइमिंग सुने नहीं बताते, शायद से 1:30 देवर एक्सपेक्टिंग आए और चले गए, ऐसा हो सकता है। तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ में, या यस यस यस, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो जरूर कर देना। मीनवाइल लेट मी स्टार्ट फॉर ऑल दोस पीपल हु आर, you got 37 out of 40 in physics test, that is really a good score BSK. ठीक है everyone, those who are here for the first time, guys this is VG Elite Live, ये हमारा YouTube पे first of its own kind batch है, इस channel पे भी first of its own kind batch है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ theory नहीं पढ़ते, हम हर session के description box में तुम्हें DPPs देते हैं। पिछले sessions जो नहीं DPP upload हुए थे, I took that matter in hand, और वो DPPs अपलोड हो चुके हैं, ये वाले सेशन का भी चेक करेंगे। अभी मैं तुम्हारे सामने ही चेक करूंगा सेशन के दौरान कि हमारा DPP अपलोड हुआ या नहीं, उसके बाद में हम DPP सेशंस करेंगे। अगले वीक में 2 DPP सेशंस लगेंगे, उसके बाद में एक सीरीज ऑफ सेशंस होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अक्रॉस द 3 subjects, जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आई रिमेम्बर हमने पिछले वाले चैप्टर के भी PYQs नहीं लगाए हैं। ठीक है चंद्रशेखर, ओके गाइस, चलो एवरीवन, तो आज हमारा 4th and last सेशन है रे ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स कंप्लीट नहीं होती है, ऑप्टिक्स का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो जाता है इस आज के सेशन के बाद में। इसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं, तो वेव ऑप्टिक्स अभी बची हुई है वो करेंगे, पर आज हम लोग किन किन चीजों का डिस्कशन करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मेजरली हम 3 instruments को डिस्कस करते हैं हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज योर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द टेलीस्कोप। आई होप एवरीबॉडी इज रेडी। ओके, यस यस वीकर, एग्जैक्टली मैंने बोला ना, जो हमारे टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं अगले वीक में उनके सेशन आने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स के भी और
बचा हुआ जो टॉपिक है उसके लिए भी, उसके अलावा एक पूरा वीक हम लोग डेडिकेट करेंगे जहां सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, फॉर दोस पीपल हु आर न्यू ऑन द चैनल, लेट मी गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माइसेल्फ। दिस इज मी असूरी सर, आई एम अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एंड ऑन दिस चैनल माय स्टूडेंट्स कॉल मी मोगैम्बो, और वो खुद को मोगैम्बियंस कहलाते हैं, बिकॉज व्हेन यू गाइस विल क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ जेईई मोगैम्बो खुश होगा। और अगर चैनल में नए हो और लग रहा है कि यहाँ पे जो प्रेपरेशन चल रही है वो तुम्हारी प्रेपरेशन भी हो सकती है, और तुम उस प्रेपरेशन में पार्टिसिपेट करना चाहोगे और अपनी जेईई के जितने भी तुम्हारे एस्पिरेशंस हैं उस डायरेक्शन में काम करना चाहते हो, तो वी आर ऑलरेडी देयर टू हेल्प यू गाइस आउट। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर ऑल दीस सेशंस आर हैपनिंग, ओके पीपल। उसके अलावा एक क्विक शेयरिंग ऑफ द रिजल्ट्स, लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं 2021 जेईई जॉब तक हुआ है, ऑब्वियसली अभी अभी एक जेईई खत्म हुआ है, उसके रिजल्ट आने पर यहाँ पे और भी एडिशंस और एडॉन्स हो जाएंगे, मोर स्टार्स इन द स्काई। सो एवरीबॉडी, ये है जेईई मेन 2 व्हिच हैपेंड इन द मंथ ऑफ मार्च, और मार्च में जो रिजल्ट्स थे, ठीक है, ये नंबर्स देखो जरा यहाँ पे, 11 इन फिजिक्स, 6 इन मैथ्स, 2 इन केमिस्ट्री, ये नंबर्स और भी इम्प्रूव हो गए थे व्हेन वी वेंट टू जेईई मेन नंबर 3 दैट हैपेंड इन द प्रीवियस मंथ, प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ नाउ जुलाई में जो हुआ था। नॉट जस्ट दैट गाइस, द पीपल हु गॉट टू जेईई एडवांस इन सेकेंड अटेम्प्ट, दैट वॉज 50% हमारा नंबर था। जेईई मेन अटेम्प्ट 3 में 80% स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस, एंड डेफिनेटली अब जो जेईई मेन 4 हुआ है, मोस्ट ऑफ द वेदर्स विल मेक इट टू द जेईई एडवांस, एंड यस डेफिनेटली वीएलओपी चैट बॉक्स पे हो जाना चाहिए, ठीक है हिमांशु, कोई बात नहीं, जितने कम बच्चे क्लास में उतना ज्यादा फोकस तुम्हारे ऊपर और उतना ज्यादा अच्छा तुम्हारे लिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो इस समय स्कूल की वजह से क्लासेस नहीं लगा पा रहे होते हैं, इसीलिए अगले वीक से हम लोगों ने चीजों को और अच्छा तरीके से डिजाइन किया है, ताकि तुम्हें एक ही बार में पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है चैप्टर की वो भी मिल जाए। तो एक सरप्राइज है जो तुम्हारे साथ हम लोग तुम्हें देने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो उसके अलावा अगर तुम मेरे सेशंस में आना चाहते हो वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे, तो दो बैचेस हैं एट प्रेजेंट विच मोगैम्बो इज टेकिंग, वन इज संकल्प जेईई एफ बैच एंड दूसरा है दृष्टि जेईई सी बैच 11 स्टैंडर्ड के लिए। तो अगर तुम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड है, जूनियर है, जो यू नो प्रेपरेशन करना चाहता है, तो डेफिनेटली रिकमेंड करना सो दैट दे आर एबल टू कम टू मोगैम्बोस क्लासेस ऑल्सो, राइट। और ज्वाइन करने के लिए वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। स्टार्ट करें, एवरीबॉडी इज रेडी, व्हाट इज वेव, इसके बारे में बात करूंगा टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द सेशन, आई नो दैट जेईई 2023 एस्पिरेंट वेव के बारे में भी बात करेंगे। पहले पढ़ते हैं आज का सेशन, फटाफट शुरू करते हैं, एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, एब्सोल्युटली हिमांशु स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, बट यू कैन डेफिनेटली हेल्प ग्रो दिस फैमिली, बाकी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उन लोगों को भी इस चीज का एडवांटेज मिल सके, ठीक है। एवरीवन जरा चैट बॉक्स पे हल्ला मचा दिया जाए, इफ यू ऑल आर रेडी, क्या बोलते हो बच्चों, इफ यू आर रेडी लेट्स हैव अ क्विक राउंड ऑफ यो और हल्ला बोल इन द चैट बॉक्स, कम ऑन पीपल, ग्रेट, ऑसम, लॉल हिमांशु, जस्ट अ सेकंड गाइस, टेकिंग केयर ऑफ समथिंग एंड देन विल स्टार्ट द सेशन इज वेल, ओके सर। जेईई एडवांस का कट ऑफ 100 क्यों रहता है, 100 नहीं रहता यार, हर साल वेरी करता है एक्चुअली। जेईई एडवांस के लिए, जेईई मेन का जो कट ऑफ होता है एडवांस के लिए, वो हर साल वेरी करता है, तो ये मत सोचो कि वो फिक्स है, वो वैल्यू नंबर की कट ऑफ जो है वो बच्चों पे डिपेंड कर रही होती है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि जो कट ऑफ है वो हर साल फिक्स रहती है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं, थैंक यू एवरीबॉडी। तो मेरे सारे सेशंस तुम्हें मालूम है कि वीक आपके साथ ही स्टार्ट होते हैं, तो पिछली बार हम लोगों ने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस और लेंसेस के बारे में डिस्कशन किया था। तो कर्व सर्फेस के ऊपर कभी भी रिफ्रैक्शन अगर होता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो कोरिलेशन है वो कुछ इस तरीके से हमने डिराइव किया था एक्चुअली इस चीज को, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग आगे जाके लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव कर पा रहे होते हैं, एंड दिस इज वॉट यू सी द सिमिलैरिटी इन इट, दैट इज वेयर वी गॉट द एक्सप्रेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। म्यू टू वन का मतलब है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द प्रिज्म, मटीरियल ऑफ द लेंस, म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। सिमिलरली अगर थिन लेंस है तो उसके लिए लेंस मेकर्स लेंस फॉर्मूला जो है बिटवीन
ऑब्जेक्ट लोकेशन, इमेज लोकेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को रिलेट करता है, जो कि मिरर फॉर्मूला जैसा ही दिखता है, पर कंफ्यूजन ना हो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मिरर फॉर्मूले में 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ हुआ करता था। ओके ओके, बाद में बात करते हैं कट ऑफ्स वगैरह के बारे में। फिलहाल तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, अभी अपनी जेई प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है एवरीवन। फिर बात की थी हम लोगों ने लीनियर मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस के बारे में भी। दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी इजीली अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। देन वी टुक आवर डिस्कशन टू फाइंड आउट समथिंग एक्सपेरिमेंटल व्हिच वी डू इन द फिजिक्स लैबोरेटरी। अगर तुम्हारे स्कूल्स रेगुलरली चल रहे होते या चलना शुरू हो गए हैं तो तुम ये एक्सपेरिमेंट शायद से फिजिक्स लैब में देखने वाले हो, जहां पे हम एक अननोन फोकल लेंथ वाले लेंस की फोकल लेंथ को पता कर रहे होते हैं बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। और ये वो फॉर्मूला होता था, डी इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, और एक्स जो है बीच में लेंस, ऐसी दो लोकेशंस पे जहां इमेज फॉर्म कर पाता है, उन दोनों लोकेशंस के बीच का गैप इज एक्स। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इफ यू हैव मल्टीपल लेंसेज प्लेस्ड टुगेदर। आज ये काइंड ऑफ हमें काम आने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर हमारे पास में दो थिन लेंसेज हैं विच आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट, तो उनकी कलेक्टिव पावर और फोकल लेंथ कैलकुलेट की जा सकती है। अगर दोनों के बीच में कुछ गैप है तो भी कलेक्टिव फोकल लेंथ और पावर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो एक लेंस की एक सरफेस को हम सिल्वर कर देते हैं, जो कि मिरर की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो किस तरीके से उसकी फोकल लेंथ इफेक्टिवली फॉर द मिरर फाइंड आउट की जाती है, ये हम लोगों ने पता किया था। तो अब यहाँ से आगे जाते हैं। जिन लोगों ने सेशन पिछला वाला नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियोस में भी इस सेशन को देख सकते हैं, L3 जो सेशन था, या पूरी प्लेलिस्ट है वहां पे भी जाके देख सकते हो। टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द सेशन मैं बताऊंगा अभी कि तुम कहां से पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आगे चलते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं, विच इज अबाउट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है एवरीवन। आई होप द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ अस, या ठीक है गाइस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। बाय डेफिनेशन अगर देखें तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्राइमरीली द ऑब्जेक्ट्स व्हिच विल हेल्प अस टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स व्हिच माइट बी नॉट सो इजीली विजिबल और नॉट एट ऑल विजिबल ऑल्सो, ठीक है। जैसे जब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली अबाउट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमरा, कैमरा इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो जो चीजें हम देख पाते होते हैं उनकी एक इमेज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में, स्पेशली द कंपाउंड माइक्रोस्कोप और द टेलीस्कोप, तो वो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि उनकी हेल्प से हम इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी देख पा रहे होते हैं जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं नॉर्मली, आवर नेकेड आईज कैन नॉट सी दैट, या फिर इतने ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट्स जो कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं हम उन्हें भी देख पा रहे होते हैं, जिन्हें अगेन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इन नाइट स्काई व्हेन वी लुक एट द स्काई एवरीथिंग फील्स लाइक ऑल ऑफ द थिंग्स व्हिच यू सी आर स्टार्स, बट वी नाउ नो दैट देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स एंड सो मेनी अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट व्हिच आर विजिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ वेरी सेंसिटिव टेलीस्कोप्स, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑब्वियसली द रे डायग्राम्स ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी पावर हम कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं, यानी कि इनका मैग्निफिकेशन, और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं from all these topics point of view, ठीक है guys। तो optical instruments हमारे लिए क्या है, बहुत simple से definition हमेशा ध्यान में रखो, ये वो चीजें हैं, वो devices हैं जो हमें ही assist करने वाले हैं to see certain objects which were otherwise not visible or were very difficultly visible to us, ठीक है everyone, good। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, हम लोग बात करेंगे ब्रॉडली टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे जे और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, और उसमें भी सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेसिकली नथिंग बट अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द वन दैट यू माइट हैव सीन मे बी इन सर्टेन पैथोलॉजी लैब्स में जो रखे हुए दिखाई देते हैं, या फिर बायोलॉजी लैब में हमें यूजुअली दिखाई दे जाते हैं, दोज आर बेसिकली योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। उसके अलावा बात करेंगे टेलीस्कोप, शायद से टेलीस्कोप तुमने कभी देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू हैव यूज्ड टेलीस्कोप इन माई स्कूल वेयर वी सॉ मून, मून की हमने एक्चुअली वो इमेज देखी है जो हम यूजुअली जब देखते हैं तो वो समझ में नहीं आ रही होती है, तो इट वॉज अ रियल गुड एक्सपीरियंस व्हेन आई सॉ मून विद द हेल्प ऑफ अ वेरी गुड टेलीस्कोप इन आवर स्कूल टाइम। ओके, तो बात करेंगे उसके बारे में भी बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली वी ऑलरेडी नो व्हाट एग्जैक्टली इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दैट मींस व्हाट, थिंग्स व्हिच आर वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है, जो मतलब 10^-6 मीटर से भी छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख पाने की जो एबिलिटी जनरेट होती है, उस डिवाइस का नाम हम लोगों ने रखा है माइक्रोस्कोप। एंड व्हाट इज माइक्रोस्कोप, यू कैन रीड दिस आल्सो, द
that it is an optical instrument used to increase the visual angle of near objects which are too small to be seen by the naked eyes. We already have the idea of at least the definition of microscope, but usko agar kabhi hume likhna pade, so this is how you are supposed to actually present your answer. ठीक है, उसके अलावा बच्चों, as I said, there are two types of microscope that you'll be talking about. One is simple microscope, और यहाँ से actually एक basis set होगा जो हमें compound microscope और telescope में भी काम आने वाला है. तो इसको obviously अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान भी देंगे इसके ऊपर. है बहुत simple, simple microscope का जो discussion है वो simple ही है, और compound microscope के बारे में भी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. Now the thing is guys, what is simple microscope? Simple microscope technically अगर बात कर रहे हैं तो it is known as magnifying glass और सिंपल मैग्नीफायर विच कंसिस्ट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस. तुमने अगर कभी भी कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास अगर देखा है तो उसमें यूजुअली कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है. ठीक है, हमेशा याद रखना कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज कर रहे होते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस. अब कॉन्वेक्स लेंस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज को फॉर्म करेगा वो इट्स गोइंग टू बी अ रियल इमेज. ठीक है, एंड हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां वो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है वही उसी पर्टिकुलर रेंज में हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा प्लेस करेंगे. ऐसे कन्वर्जिंग इमेजेस या कन्वर्जिंग नेचर होता है कॉन्वेक्स लेंस का, जिसकी वजह से उसकी इमेज जो फॉर्म होती है वो रियल होती है, और रियल इमेज होती है तो हम देख नहीं पाएंगे अंटिल वी फॉर्म अ स्क्रीन, बट वी नेवर पुट एक्चुअली अ स्क्रीन. हमारे आंखों पे उसकी इमेज हम लोग फॉर्म कराना चाह रहे होते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी बेसिकली वांट टू यूज दिस. अभी जब रे डायग्राम देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है जब हम लोग इसे यूज कर रहे होते हैं. तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को, अगर तुम्हें रे डायग्राम याद हो, कॉन्वेक्स लेंस में अगर मान लो ये फोकस है और ये पोल है, अगर फोकस और पोल के बीच में तुमने ऑब्जेक्ट को रखा कहीं पे भी, मींस द डिस्टेंस यू इज लेस देन द फोकल लेंथ, तो जो इमेज फॉर्म होती है ना, जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है. ऑन दिस साइड हमें वो इमेज मिलती है. सबको याद है, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? प्लस वन इन द चैट बॉक्स. इसमें भी फॉर्मूलाज होंगे बट बहुत चैलेंजिंग नहीं होंगे, डोंट वरी. ये याद है सबको, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा तो जो इमेज फॉर्म होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल इमेज. ठीक है, मैंने लोकेशन गलत बनाया है, लेट मी करेक्ट दैट. जो इमेज फॉर्म होगी वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होने वाली है. करेक्ट एवरीवन? ये इमेज फॉर्म हो जाती है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली गाइस. तो अभी उसका रे डायग्राम भी स्टडी करेंगे. ये देखो, दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन व्हिच हैपेंस विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. अ सिंपल मैग्नीफायर और माइक्रोस्कोप एज वी ऑल नो इज जस्ट अ कन्वर्जिंग ग्लास. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उसे तुम हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही रखोगे. द लेंस इज हेल्ड नियर द ऑब्जेक्ट एंड ईदर वन फोकल लेंथ और लेस. मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? फोकस पे. अगर फोकस पे रखा तो ऑब्वियसली इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन जाएगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी जो प्रॉबेबली तुम देख भी नहीं पाओगे. इसीलिए तुम हमेशा देखना, जब कभी भी हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करेंगे, डिटेक्टिव्स को तुम लोगों ने मूवीज में यूज करते हुए देखा होगा, सीरियल्स में यूज करते हुए देखा होगा, तो वो हमेशा लेंस को अपनी आंखों के पास रख रहे होते हैं, कुछ ऐसे देख रहे होते हैं, राइट? तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. द लेंस इज हेल्ड नियर द ऑब्जेक्ट एंड द आई इज पोजिशन क्लोज टू द लेंस ऑन द अदर साइड. बट वॉट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट, कि जिस भी ऑब्जेक्ट को तुम देखना चाहते हो तुम उसे भी पास में ही रख रहे होते हो. Why you are trying to do that is because you are ensuring that focal point और पोल के बीच में ही ऑब्जेक्ट लाए करे. मान लो तुम्हें कुछ पढ़ना है, उस पेपर को तुम हमेशा यहां रखोगे ताकि उसकी वर्चुअल इमेज बने उसी साइड पे और तुम उसे देख पाओ. ओके, यस, एग्जैक्टली एवरीवन, ऑसम. तो हम डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम जो भी इमेज फॉर्म करेंगे हम उसके लिए एक ऑलरेडी नोन पॉइंट है जिसे हम LDD भी बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या जिसे हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं. द नियर पॉइंट इज बेसिकली द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई दैट अ पर्सन इज केपेबल ऑफ फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना. दैट मींस व्हाट? अगर तुम्हारी खुद के हाथ को अगर तुम अपने आंखों के सामने लेके आते हो तो तुम देखना कि एक सर्टेन डिस्टेंस है अराउंड 25 सेंटीमीटर का, इतना बड़ा गैप है वो रफली, वहां तक अगर वो ऑब्जेक्ट होता है तो तुम उसके ऊपर फोकस कर पाते हो. उससे पास में लेके आते हो तो ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाता है या उसका जो
इमेज है वो ब्लर लगने लगता है तुम्हें, वो ऑब्जेक्ट ब्लर लिखाई देने लग जाता है, ठीक है गाइस। एंड दैट इज बेसिकली द पॉइंट जिसके थोड़ा दूर या मिनिमम डिस्टेंस जहां तक तुम उसे लेके आ सकते हो उस ऑब्जेक्ट को, सो दैट यू आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट क्लियरली इन योर आईज, इज बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड एज नियर पॉइंट। क्या कोई बोर्ड डिस्टेंस जानता है? डू यू गाइज ऑलरेडी नो दिस डिस्टेंस? यस गाइज, अभी मैंने बोला भी दैट डिस्टेंस इज बेसिकली 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर या उससे भी पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तुम्हारी आंखों के, तो तुम्हें वो चीज क्लियर दिखाई नहीं दे रही होती है, उसी को हम लोग नियर पॉइंट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखने जाओगे, तो तुम चाहोगे कि वो जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इमेज शुड बी ईदर 25 सेंटीमीटर और फर्दर अवे फ्रॉम यू। अगर वो 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे आई तुमसे, तो तुम्हें वो इमेज क्लियर नहीं दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं उसके मैग्निफिकेशन की, ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इज बेसिकली द मैग्निफिकेशन। क्यों मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है? क्योंकि ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूजुअली देख नहीं सकते, वन बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, टू बिकॉज दे आर वेरी फार अवे। ये दो पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट जो कि बहुत छोटा है या विजिबल ही नहीं है, उसे अगर मैं देखना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली उसकी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से तो बड़ा होना ही चाहिए। दैट इज व्हाई वी वांट द ऑब्जेक्ट टू बी डेफिनेटली बिगर, सॉरी द इमेज हैज टू बी बिगर। तो हम डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एज एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर दीज ऑप्टिकल डिवाइसेस, और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन भी है। तो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर तुम चाहिए तो ये पढ़ भी सकते हो। मान लो ऑब्जेक्ट को अगर डायरेक्टली तुम देखो, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन हो रहा है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे तुम डायरेक्टली देख रहे हो, तो वट एवर इज द एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय दैट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन योर आई इज बेसिकली वॉट वी कॉल एज एन एंगल टैन अल्फा, ठीक है। वी आर डिफाइनिंग दैट एंगल एज टैन अल्फा विच इज गोइंग टू बी एच बाई डी, और हमें मालूम है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो डिस्टेंस की कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो ऑब्जेक्ट हो सकता है हमसे, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट का हो सकता है जहां पे मैं क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देख सकूं, दैट डिस्टेंस इज योर कैपिटल डी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज कैपिटल डी? इज योर नियर पॉइंट। नियर पॉइंट इज योर कैपिटल डी, 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। माइनस इसलिए लगाया हुआ है बिकॉज यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट साइड फ्रॉम द आई, और हाइट ऊपर की तरफ बताई हुई है। सेकेंड थिंग, अगर मान लो तुम यही चीज एक ऑप्टिकल डिवाइस यूज कर रहे हो, और अब तुम डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हो, बल्कि उसकी इमेज जो बन रही है वो तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, तो इस केस में गाइस द एंगल विच इज सबटेंडेड एट योर आई इज बेसिकली बीटा, ठीक है। तो अगर मैं बीटा कैलकुलेट करूं लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दैट इज गोइंग टू बी एच बाई यू। अगर हम इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं उसी के, तो एच डैश बाई वी, दोनों चीजें हम लिख सकते हैं बिकॉज सेम एंगल इज बीइंग सबटेंडेड बाय द लेंस हियर, ठीक है। एवरीवन एग्जैक्टली, तो टैन बीटा क्या हो जाएगा? इधर एच डैश बाय माइनस बी और एच बाय माइनस यू। व्हाट डू वी डिफाइन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन? इज द रेशियो ऑफ दीज टू, विच वन? बीटा टू अल्फा। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज बेसिकली बीटा टू अल्फा, दिस इज वॉट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। हमें मालूम है कि हम जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें वी आर डीलिंग विद द पैराक्सियल रेज विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आर सबटेंडिंग वेरी स्मॉल एंगल। दैट मींस वी कैन से टैन अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा, टैन बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा। तो जब ये दोनों रेशियोज कैलकुलेट किए जा रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एच बाय माइनस यू, एच बाय माइनस डी, मतलब ऊपर वाला बीटा है, नीचे वाला अल्फा है, एच कैंसिल कर देते हो, द वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस माइनस कैंसिल्स, डी बाय यू इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग हियर, ठीक है एवरीवन। If it makes sense, write plus one in the chat box. Important चीज है, समझ में आना भी चाहिए हमें। Plus one in the chat box if you guys understand this. हमने angular magnification define किया है, which is coming out to be d by u. मतलब least distance of distinct vision 25 centimeter के comparison में object कहाँ पे रखा जा रहा है? That is what basically we are trying to find it out. Okay? तो बच्चों, अब दो cases है जहां पे हम लोग पॉसिबली सिंपल माइक्रोस्कोप को उसकी मैग्निफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके एंगुलर मैग्निफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। एक वो केस है जहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे प्लेस किया है कि इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी। व्हेन विल द इमेज बी फॉर्मड एट इंफिनिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट? एवरीवन, कैन आई से द इमेज विल बी फॉर्मड एट इंफिनिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ दैट लेंस इटसेल्फ? डू यू एग्री ऑल ऑफ यू? राइट, यस। तो
अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रख दिया तो U का वैल्यू F के बराबर हो गया, तो जो इमेज फॉर्म होने वाली है वो फॉर्म होने वाली है इंफिनिटी में. That means what guys? अगर मैं मैग्निफिकेशन डिफाइन करूंगा तो मैग्निफिकेशन का जो अभी अभी हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन d by u फाइंड आउट किया था, u का वैल्यू बस हम f पुट कर देंगे. ठीक है बच्चों, प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस इज बेसिकली कॉल्ड m इंफिनिटी ऑल्सो. हम इसे m इंफिनिटी भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो मैग्निफिकेशन है जिसमें इमेज बहुत बड़ी फॉर्म होती है. Extremely big image will be formed. और actually उस microscope से, या I should say उस magnifying glass से जब तुम ऐसा placement कर देते हो object का, तो इतनी ज़्यादा बड़ी image दिखती है कि तुम actually देख ही नहीं पा रहे होते पूरे object को. It becomes so large. ठीक है, फिर तुम उसको और थोड़ा सा object को focus lens के पास में लेकर के आते हो, तो जो situation है हम उसे study करेंगे कि अगर मान लो जो image है. अच्छा एक चीज और मैंने यहाँ पे mention करना मैं भूल गया, जब इमेज जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म होगी तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है. हमें सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में जब वो 25 सेंटीमीटर या उससे भी क्लोज आ जाता है हमसे, तो हमारे लिए वो एक्चुअली पेनफुल होने लग जाता है, स्ट्रेन हमारे आंखों पे बढ़ने लग जाता है. ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आईज की बात नहीं हो रही है हिमांशु, फोकल लेंथ ऑफ आईज नहीं, ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है. दिस इज बेसिकली योर लेंस जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की बात हो रही है. ओके, सो गाइस यहां पर हमारी आंखें जब इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म होती है जो सबसे ज्यादा दूर है वहां हमारी आंखें एकदम रिलैक्स रहेंगी, लेकिन अगर हमने ऐसा एडजस्टमेंट किया है ऑब्जेक्ट का कि वो फोकस और पोल के बीच में रखा है और इमेज जो है वो डी डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, डी से इधर फॉर्म होगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम उसको क्लियरली देख नहीं पाएंगे, तो हम बोल सकते हैं व्हेन द इमेज इज फॉर्मड एट नियर पॉइंट एंड द आईज विल बी अंडर मैक्सिमम स्ट्रेन. Remember these two points. जब image infinite distance पे form होती है तो आंखें सबसे ज्यादा relaxed रहेंगी, जब image finally LDDV capital D पे form हो रही है तो हमारी आंखों पे सबसे ज्यादा strain आने वाला है. और ऐसे में situation क्या है, हम लोगों को मालूम है कि final location जो है this is basically V. तो according to lens formula 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F use करता हूँ, V की जगह पे minus D put कर दिया, U negative put होगा, again on the left side है, focal length obviously for this part if you see the focal length is going to be on the other side, or us case mein you will be able to find the value of magnification once again kyunki ise main rearrange kar raha hu. maine kya kiya, puri equation ko d se multiply aur d se divide kar diya. theek hai bachcho, to what do I get, d by u which is basically magnification jo humne abhi thodi der pehle find out kiya tha, d by u. theek hai, to what we get d by u here is 1 plus d by f. तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आए हैं मैग्निफिकेशन के, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन कब यूज होता है. ओके ओके, नो प्रॉब्लम अंकित सिंह, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, टोटली फाइन. ओके गाइस, एम आई क्लियर? ठीक है, तो समराइज करते हैं, मैग्निफिकेशन के दो एक्सप्रेशन हैं, एक एक्सप्रेशन है d by f, दिस इज व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, एंड दिस इज when image is at near point. ठीक है, d by f ये बेसिकली d by u ही है, लेकिन u यानी कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकल लेंथ पे, फोकस पे, और दूसरा जब इमेज फॉर्म हो रही होती है LDDV पे. ये ध्यान रखना कि जो फोकल लेंथ है किसी भी माइक्रोस्कोप की जो हम लोग यूज कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज पूरा जो मामला है वो मैग्निफिकेशन का पावर पे डिपेंड करता है. तो वी कैन से दैट जो भी माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास, उसका मैग्निफिकेशन पावर उसकी पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है एवरीवन, डू वी गेट दिस? सब लोगों को समझ में आ रहा है? लेट्स सी सम एग्जांपल्स, लेट्स सी सम एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन द सिंपल माइक्रोस्कोप. पहला सवाल देखो, the maximum magnification that can be obtained with the help of a convex lens of focal length 2.5 cm is, to LDDV diya hua hai, agar expression ke hisab se dekhoge to ye d by f mein 1 add hone par hame magnification bada hua milega, that means hame jo magnification ka maximum value milega wo aayega 1 plus d by f ke barabar, aur 1 plus 25 cm divided by 2.5, ये कैंसिल करूंगा तो ये 10, 10 प्लस 1
11, that's your maximum magnification. ठीक है एवरीवन, सॉल्व कर पा रहे हो मेरे साथ में? गेटिंग इट एवरीवन? अगर मैंने सिर्फ d बाई f कैलकुलेट किया होता तो आंसर 10 आता, लेकिन वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पॉसिबल नहीं है. मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब पॉसिबल है जब मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करूं दैट माय इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV, तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम हो रहा होगा. ठीक, अगला सवाल, लेट्स हैव अ लुक एट दिस एज वेल. इट सेज दैट इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफायर इज 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस. एक तो लेंस की पावर कैलकुलेट करनी है, दूसरा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस फॉर रिलैक्स एंड स्ट्रेनड आई. रिलैक्स का मतलब है जब इमेज एट इंफिनिटी, ये जब इमेज एट कैपिटल डी बन रही होती है, ये सिचुएशन है. तो अगर मुझे पावर कैलकुलेट करनी है तो 1/f हो जाएगी, और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में. ठीक है, तो ये जब सेंटीमीटर्स में लिखा हुआ होता है तो मैं लिखूंगा उसे 100/f जब मैं उसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लूंगा. आई शुड रादर पुट इट उल्टा. ओके, डायरेक्टली 100/f डायोप्टर्स कर लेते हैं. अब मैं इसको सेंटीमीटर्स में पुट कर सकता हूं. सो 100/5 दैट मींस 20 डायोप्टर्स इज बेसिकली योर आंसर, है ना, फॉर द फर्स्ट पार्ट. दूसरा हमें चाहिए मैग्निफिकेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज कैपिटल डी बाय एफ. ठीक है, कैपिटल डी होता है 25 सेंटीमीटर्स, दूसरा फोकल लेंथ है 5, तो मैग्निफिकेशन m1 आता है 5. M2 जब इमेज फॉर्म्ड होती है LDDV पे तो 1 प्लस d बाय f हो जाएगा मैग्निफिकेशन व्हिच इज 1 प्लस 5 दैट मींस 6. दीज आर योर आंसर्स. न्यूमेरिकल नहीं रखा, एज ए न्यूमेरिकल रखा उसे, MCQs के फॉर्म में नहीं रखा. ठीक है गाइस, सो वी हैव द आंसर 20 डायोप्टर्स, 5 एंड 6 मैग्निफिकेशन. वेरी गुड स्वेकर. ओके, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा सर, टेंशन मत लो. अगला सवाल बच्चों, पावर ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस ए एंड बी आर गिवन टू यू. A का जो पावर है वो 8 डायोप्टर्स है और B का पावर जो है 4 डायोप्टर्स है रिस्पेक्टिवली. सो कैन यू गाइस टेल मी व्हिच ऑफ देम इज गोइंग टू गिव यू मोर मैग्निफिकेशन. दे आर टू बी यूज्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप. द मैग्निफिकेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन A, इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, नन ऑफ दीस. क्या बोलते हो? अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा भी है और हमें पता भी है कि मैग्निफिकेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर हो जाएगा. तो जिसका पावर ज्यादा उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा. दैट सिंपली मींस व्हाट? बिकॉज वी हैव बीन गिवन दैट पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बी, 8 and 4. सो दैट इज वाई द मैग्निफिकेशन ऑफ ए इज गोइंग टू बी greater than, I used a wrong symbol here, if you are, is going to be greater than magnification of B. A नहीं, B होगा स्वेकर, you are right. तुम पहले सही बोल रहे थे, A की power ज़्यादा होगी, है ना? Correct बोल रहे थे एकदम, स्वेकर, हाँ, 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 ठीक है? अगला सवाल, ये वाला solve करने की कोशिश करो तुम लोग. What does this say, all of you? The magnifying power of a simple microscope is given. The focal length of its lenses in meters will be how much if LDDV is given to you. तो LDDV वाला situation बताया है और हमें पूछा गया है कि what will be the focal length of the lens. और अगर उस situation के according जाएं LDDV पे जब image form होनी है finally, so 1 plus d by f use करता हूँ, तो magnification 6 है. This is 1 plus 25/f. That means 5 is equal to 25/f. तो focal length हमें मिल रही है 5 centimeters और 0.05 meters. Got it? All of you? Yes, very good. Okay. Yes, so we have got the answer. आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले वाले microscope के बारे में, which is your compound microscope. अब compound microscope जो है बच्चों, इसमें obviously कंपाउंडिंग है ऑफ टू लेंसेस. दो लेंसेस रखे हुए, एक कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, अपर्चर वाइज इट इज स्मॉलर, ये लेंस का साइज छोटा होगा, फोकल लेंथ ज्यादा होगी, मतलब इसकी सॉरी फोकल लेंथ कम होगी. ऑफ द फोकल लेंथ इफ नॉट यूजुअली इट हैज लेसर फोकल लेंथ सो दैट इट इज एबल टू
गिव यू मोर मैग्निफिकेशन, ठीक है। दूसरा जो है तुम्हारी आंखों के पास रखा होता है, विच इज कॉल्ड एज आई पीस ऑल्सो, जहां से हम देख रहे होते हैं चीजों को। सो दीज आर टू लेंसेज को, दीज आर बोथ कन्वर्जिंग लेंसेज, दे बोथ आर को एक्चुअली प्लेस्ड एंड वन ऑफ देम इज एफ ओ फोकल लेंथ, वन अदर वन इज एफ ई फोकल लेंथ। तो इसका फोकल लेंथ है एफ ओ, इसका फोकल लेंथ है एफ ई, बिकॉज इट इज द आई पीस, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली हैज स्मॉलर अपर्चर, स्मॉलर फोकल लेंथ एज आई सेड, एंड द अदर वन हैज बिगर अपर्चर एंड बिगर फोकल लेंथ ऑल्सो। इसका रे डायग्राम देखने से पहले एक बात बताता हूं, यू नो व्हाट विल हैपन। एक्चुअली तुम्हारा अब तक का जो माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप, वो ये था। मैंने इस चीज को छुपा लिया है, जो एफ ई है ना बच्चों, अब तक वो सिंपल माइक्रोस्कोप था। तो उसमें हम क्या करते थे, दो चांसेस थे हमारे पास में स्टडी करने के ऑब्जेक्ट की इमेज को। एक, अगर ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप ना होके सिंपल माइक्रोस्कोप होता, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता, तो इसके लिए दो सिचुएशन थी कि एक, जब ऑब्जेक्ट ऐसा प्लेस हो दैट इट इज प्लेस्ड ऑन द फोकल लेंथ एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो एक पॉसिबिलिटी वो बन जाएगी माइक्रोस्कोप में भी। दूसरी पॉसिबिलिटी वो बनती है जिसमें यहां से इमेज जो है फ्रॉम द आई, इट इज गोइंग टू बिकम, फ्रॉम द लेंस इट इज गोइंग टू बिकम एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो आईपीस जो है वो बिल्कुल हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही बिहेव करता है। उसके सामने ये वाला जो लेंस है ये आके कुछ कमाल करता है, ये कुछ रे डायग्राम्स को चेंज करता है। इसकी जो इमेज फॉर्म होगी, ये बहुत बेसिक कॉमन सेंस है, तुम समझ सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्ट के सामने, मतलब ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो पहली इमेज फॉर्म होती है, यू कैन कॉल इट आई ओ, दैट इमेज विल बिहेव एज द ऑब्जेक्ट फॉर योर आई पीस। मतलब अब तक सिंपल माइक्रोस्कोप से तुम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के सामने, ऑब्जेक्ट और तुम्हारी आंखों के बीच में एक लेंस को लेके आते थे, अब वो लेंस तो है ही, इसके अलावा एक और लेंस को हमने सामने रख दिया है, तो अब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट इज नॉट दैट थिंग विच इज हैविंग इट्स इमेज बीइंग क्रिएटेड ऑन योर आई, इट इज रादर द इमेज ऑफ द फर्स्ट लेंस विच इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। तो देखो रे डायग्राम बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से हमें, मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, कभी भी इमेज फॉर्म करनी है तो मिनिमम दो रेज की जरूरत पड़ने वाली है। द फर्स्ट वन से गोज पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, सो इट इज पासिंग थ्रू द फोकस एफ ओ। दूसरी, डायरेक्टली अगर मैं पोल से या सेंटर ऑफ द लेंस से पास कराऊंगा तो अनडिविएटेड चली जाएगी, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करती है वहां पे पहली इमेज फॉर्म हो रही है। तो अगर ए बी ऑब्जेक्ट था तो ए डैश बी डैश उसकी इमेज बन गई है, ठीक है। अब ये इमेज जो है वो आईपीस के फोकस पे या फोकस से और आगे की तरफ बनना चाहिए, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है अब इमेज, इसकी इमेज वर्चुअल बननी चाहिए। यस, इसकी इमेज यहां पे हम वर्चुअली बनाना चाहते हैं, और ये तभी पॉसिबल होता है जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ द लेंस के बीच में रखा हुआ मिले। ये बात समझ में आती है सबको? तो ये जो तुम पहली इमेज देख रहे हो विच इज गोइंग टू बिहेव एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीएस, इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो इसे या तो तुम फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस पे बनाओगे या और पास बनाओगे लेंस के, ताकि इससे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो सके। यहां दो तरह की इमेज के स्टडी हम लोग करेंगे, एक जहां ये इमेज फाइनल इमेज जो कि बहुत एनलार्ज है, या तो ये इंफिनिटी पे बने या फिर LDDV पे बने, ये वाली सिचुएशन हम अभी स्टडी करेंगे। एंड आई होप दैट नाउ द रे डायग्राम इज वेरी सिंपल, पहले वाले का तो बहुत ही सिंपल सा रे डायग्राम है। दूसरे वाले से, यहां से अगर हम दो लाइट रेज को स्टडी करते हैं, वन इज गोइंग पैरेलल आफ्टर दैट इट विल पास थ्रू द फोकल लेंथ, द अदर वन इज बेसिकली पासिंग डायरेक्टली थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, तो ये अनडिविएटेड चली जाती है, तो ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं प्रैक्टिकली। तो दोनों डाइवर्जिंग लाइट रेज जो है उनसे मिलने वाली जो इमेज होगी वो डेफिनेटली एक वर्चुअल इमेज मिलने वाली है मुझे, तो वो पीछे दूसरी तरफ मिल रही है, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है गाइस। तो देखो हम लोग बात करेंगे इन जनरल पहले तो मैग्निफिकेशन के बारे में। वॉट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन जब हम मल्टीपल लेंसेज यूज करते हैं तो दोनों या मल्टीपल लेंसेज के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया जाता है, ये हमने लास्ट सेशन में सीखा था। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेसिक मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, ये चीज हम जानते हैं। तो इमेज फॉर्म हो रही है राइट साइड पे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, तो डेफिनेटली नेगेटिव मैग्निफिकेशन मिल रहा है तुम्हें, वीओ माइनस यूओ,
उसके बाद में आईपीस का अगर मैं मैग्निफिकेशन देखता हूं तो फाइनली मान लो मेरी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो एलडीडीबी पे बन रही है, मतलब ऑब्वियसली मैं ये लिमिटेशन डाल रहा हूं, इमेज से दूर भी बनेगी तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर एलडीडीबी से पास नहीं बननी चाहिए क्योंकि फिर हमें वो इमेज क्लियर नहीं दिखाई देती। तो अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखते हैं, कंसिडरिंग कि यार हमारे को देखने के लिए भी आसानी होनी चाहिए, मैग्निफिकेशन भी अच्छा खासा मिलना चाहिए, सो फॉर दैट मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज डी बाय यू। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था व्हेन वी वर स्पीकिंग अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। आई टोल्ड यू दैट आईपीस जो लेंस है, आईपीस जो लेंस है वो बेसिकली एक सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, और ये वही रिजल्ट है तुम्हारे सामने, याद आ रहा है वीई बाय यूई लिखा हुआ है ये बाय द वे, लेकिन वीई दिस इज बेसिकली वीई ओनली, आईपीस के लिए इमेज चाहिए, लेकिन यही तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस इज द रिजल्ट फाइनली दैट यू आर गेटिंग, प्लस वन इन द चैट बॉक्स इफ यू गाइस आर विद मी एंड आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल थिंग, टोटल मैग्निफिकेशन। All of you, Mugambians, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो फटाफट से चैट बॉक्स पे थोड़ा सा शोर मचाओ, प्लस वन लिखो क्विकली, वेरी गुड, ओके एवरीवन। चलो तो अब जैसा कि मैंने बोला दो केसेस बनेंगे, एक जहां पे ऑब्जेक्टिव से बनने वाली जो इमेज है वो आईपीस के फोकस पे ही फॉर्म हो गई, ये फोकस है आईपीस का, तो फाइनल इमेज फॉर्म होने वाली है एट इंफिनिटी, सबको पता है, तो इसीलिए जो वीओ है, सॉरी यूई जो है वो एफई के बराबर है, मतलब आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन है वो फोकल लेंथ ही है, तो अभी जो तुमने फॉर्मूला देखा उसमें यूई की जगह पे एफई पुट हो जाएगा, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, यू कैन सी दैट फाइनली एवरीबॉडी। अगर बात सुनते जा रहे हो, समझते जा रहे हो तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी इन चीजों को ध्यान में रखने में। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्म होता है उसे हमने फॉर्म कराया है अगले वाले लेंस के फोकस पे, और जब कभी भी फोकस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे मिलती है, और वही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है, और इसीलिए जो एक्सप्रेशन था मैग्निफिकेशन का, विच इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस, एज सिंपल एज दैट, ओके फाइन एवरीवन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बचा, ओके ठीक है हिमांशु, हम लोग मैग्निफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अस। अगर पावर निकालनी होगी तो डेफिनेटली पी वन प्लस पी टू करोगे, और अगर सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेस पता है तो पी वन प्लस पी टू माइनस पी वन पी टू डी कर दोगे, अगर कभी हमें मालूम पड़े तो, मालूम करना पड़े तो, ठीक है हिमांशु। पावर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होगी, पावर ऐड होती चली जाएगी लेंसेस की, यस। अगला केस, दूसरा केस जिसमें तुम देखोगे कि फोकल लेंथ से और राइट साइड पे इमेज फॉर्म की पहले वाले लेंस की वजह से, और उस वजह से इमेज फाइनली इंफिनिटी पे नहीं मिल रही है, इट इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, सो बिकॉज ऑफ दैट हम ऐसा एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि फाइनली जो वीई है वो एल डी डी वी पे मिलती है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है मैंने क्या बोला हुआ है दैट दिस बिहेव्स एज मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, तो अगर ये मैग्नीफाइंग ग्लास है और मैग्नीफाइंग ग्लास के केस में अगर तुम्हारी इमेज एल डी डी वी पे मिल जाए तो मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास क्या लिखा जाता है, वन प्लस डी बाई एफ ई, प्लस वन इन द चैट बॉक्स, अगर सब लोग सुन रहे हो मेरी बातों को तो अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल माइक्रोस्कोप का केस है, याद है, और मैंने क्या बोला कि हमारा जो आईपीस है, हमारा जो आईपीस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, और उसमें भी सिंपल माइक्रोस्कोप वाली सिचुएशन कौन सी स्टडी हो रही है, एक जिसमें इंफिनिटी में मिला था तो डी बाई एफ, और अब जहां पे एलडीडी में मिल रहा है तो वन प्लस डी बाई एफ हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इटसेल्फ, ठीक है, तो अब ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, दोनों मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं, एज सिंपल एज दैट, गुड एवरीवन। इट्स हेवीली रेनिंग आउटसाइड इन मुंबई बाय द वे, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है मुंबई में, ओके मैजिक ऑफ वॉइस, आई एम ग्लैड कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, चले फिर आगे देखे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस, आई होप क्वेश्चंस ही आएंगे अब, हाँ
एग्जाम्पल्स के लिए रेडी सब लोग? चलो फिर स्टार्ट सॉल्विंग विद मी. पहला सवाल तुम्हारे सामने है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई लेंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर गिवन टू अस. डायरेक्टली पता लगाओ मैग्निफाइंग पावर ऑफ दिस माइक्रोस्कोप इज हाउ मच. तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो है, सिंपल सा सवाल है, एम ओ इंटू एम ई होता है. तो एम ओ हमें दिया हुआ है फॉर द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस. ऑब्जेक्टिव का मैंने बताया था कम फोकस, फोकल लेंथ छोटी होती है इसलिए पावर ज्यादा आती है, मैग्निफिकेशन ज्यादा आता है. और आई पीस के लिए यही वैल्यू 6 है. तो बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया होगा तुमने. इट्स गोइंग टू बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू 150. दैट्स आवर आंसर एवरीवन. ऑप्शन सी इज आवर आंसर हियर. इन धौलपुर ऑल्सो इट्स रेनिंग. तुम धौलपुर से हो, धौलपुर की गजक बहुत फेमस है मैंने सुना है ना हिमांशु? हमारे यहाँ राजस्थान में धौलपुर की गजक बड़ी फेमस है. सही बोल रहा हूं? ओके, नानी रेड्डी इज हियर फाइनली. कूल. चलो गाइस, तो अगले सवाल पे चलते हैं. अगला सवाल देखो जरा. इट सेज दैट द लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन टू यू. द मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई इज 25. आंखें कब रिलैक्स होती हैं? जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होती है. ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है एवरीवन? तो अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की, जो कि एम ओ इंटू एम ई है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो वी ओ बाय यू ओ होगा, लेकिन इसके लिए जो वी ई है वो डी है, और ये इंफिनिटी पे इमेज फॉर्म होने के लिए फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होना चाहिए. ऐसे याद रखो, ऑब्जेक्टिव लेंस नॉर्मल, नॉर्मल जो लेंस का पावर लिखा जाता है या मैग्निफिकेशन लिखा जाता है, माइनस वी ओ बाय यू होता है. मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज लिख रहे हैं, वी ओ बाई यू. और हम फॉर्म करना चाहते हैं रिलैक्स्ड सिचुएशन. रिलैक्स्ड आई का मतलब होता है इमेज एट इंफिनिटी. ये बात समझ में आ गई? अब सवाल में हमें क्या बताया, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बता दिया. वेरी गुड. मैग्नीफाइंग पावर फॉर द रिलैक्स्ड आई इज गिवन. ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर हमें दे के रखी हुई है, दैट मींस हमें ऑलरेडी एम की वैल्यू दे रखी है ऑफ द एंटायर माइक्रोस्कोप. ओके, फोकल लेंथ भी दे के रखी है ये वाली. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें पता लगाने बोला है. यू ओ पता लगाना है, एम पता है, डी पता है, एफ ई भी पता है, फोकल लेंथ वाली. तो मुझे अगर वी ओ मिल गया तो मैं यू ओ निकाल दूंगा. यू ओ कितना होगा ये सवाल पूछ रहा है. तो उसने क्या किया है, मुझे लेंथ का वैल्यू दे के रखा है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप. जरा एक बार रे डायग्राम पे नजर डालते हैं क्या फिर से. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप? वी ओ प्लस यू ई. और इनफाइनाइट वाला डिस्टेंस अगर ले लूं, इनफाइनाइट वाला डिस्टेंस ले लूं, तो वी ओ प्लस एफ ई. वी ओ प्लस एफ ई इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप. ठीक है, वी ओ प्लस एफ ई, दिस इज बेसिकली योर लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप when the image finally is formed at infinity. और ये value हमें देके रखी है 14 centimeter. तो VO का value आ जाएगा 14 minus FE, which is 14 minus 5, that means 9 centimeter. तो ये value मिल गई बच्चों. तो अब मुझे UO चाहिए, वो simplify करते हैं. So guys, M which is equal to VO by UO into D by FE. क्या किसी का आंसर आ गया है ऑलरेडी? वी ओ बाई एम इंटू डी बाई एफ ई. वी ओ का वैल्यू हमने अभी पता लगाया 9 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन इज गिवन टू अस एज 25. एल डी डी वी इज 25. फोकल लेंथ इज 5. तो 25 एंड 25 कैंसल्स एंड 9 बाय 5 सेंटीमीटर विच इज 1.8 सेंटीमीटर इज आर आंसर. क्या बोलते हो बच्चों, क्या बोलते हो बच्चों? गॉट इट? अरे वीजी लीट लाइफ फॉर 11th इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, डोंट वरी, क्लासेस होंगी. ओके, यस गाइस, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर. आई होप यू गाइस गॉट दिस. ठीक है, बात समझ में आ गई. एक्सप्रेशन पहले तो फिगर आउट करना था कि एम ई जो है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस वो डी बाई एफ ई होगा या 1 + डी बाई एफ ई होगा. तो क्योंकि हमारी आंखें रिलैक्स है, रिलैक्स आंखें तब होती है जब इमेज अच्छी खासी दूर बनती है, ऑब्जेक्ट बहुत पास नहीं होता है हमारे लिए. So that is the situation. ठीक है, तो ये भी हो गया. अगले वाले पे चला जाए, तो ये आंसर भी देख लिया हमने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. ओके,
the focal length of objective and eyepiece are given to us. बहुत बढ़िया. और ये भी बताया है that the object is put 1.25 centimeter from the objective lens and the final image is formed at infinity. तो final image is वापस से infinity पे ही form किया, मतलब formula वही होगा जो अभी use किया हम लोगों ने. That's going to be VO by UO into D by FE. ये infinity वाला situation है, ठीक है. The magnifying power of the microscope is going to be how much? तो हमें already D पता है, हमें FE पता है, हमें ये भी पता है कि UO कितना है, लेकिन फिर से VO नहीं दिया है बच्चों. तो VO पता लगाने के लिए ये जरूर बताया हमें कि FO कितना है. तो अगर हम 1 upon VO minus 1 upon UO equal to 1 upon FO से find out करें, तो हमें objective lens के लिए object कहाँ रखा हुआ है वो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है guys. सविता बच्चा, मैंने ऑलरेडी आंसर किया तुम्हारा सवाल कि 11th के सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, रिज्यूम हो रहे हैं rather, it is already going on, so it will resume, do not worry. Okay, so 1 upon VO is going to be 1 upon UO plus 1 upon FO. ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ राइट साइड पे है, तो ये जो 1.25 है दैट्स बेसिकली 5 बाय 4. तो मैं इसे पुट करूंगा माइनस 5 बाय 4, ठीक है एवरीवन, गेटिंग इट. और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया 1.2, दैट मींस 12 बाय 10 पॉजिटिव ही होगी ऑब्वियसली. तो देखो ये हो गया माइनस 4 बाय 5 प्लस 5 बाय 6. सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज माइनस 24 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 30 विच इज प्लस 1 बाय 30. 1 बाय VO है ये, ठीक है एवरीवन. तो VO का वैल्यू भी मिल गया हमें 30 सेंटीमीटर. So now we'll put everything here. चलो पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. VO का वैल्यू 30, UO का वैल्यू 5 by 4, न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर रहा हूं आप सिर्फ क्योंकि सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं. D का वैल्यू 25 है, नहीं बोला है तो 25 भी लोगे. और FE का वैल्यू 3 है, तो 3 इसको कैंसिल करता है, 10 टाइम्स 4 ऊपर जाता है, तो 40 by 5 into 25, 5 से इसे 5 टाइम्स कैंसिल किया, दैट मींस 200 is the overall magnification. Have you guys got this? Very good, Imanchu. Yes, 30 centimeter was the location of the image for the objective lens. So answer aa jata hai option B. Very nice everyone, keep it going, that's the answer. Agla sawal dekhte hain. Is question mein hame kya bola hai? The focal length of objective and eye lens of a microscope are given. If the image is formed at LDDV, this time image is formed at LDDV, और वो भी हमें बताया है 24 सेंटीमीटर है, 25 नहीं लेना है. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बताया है. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप विल बी हाउ मच? सो बेसिकली दिस टाइम मैग्नीफाइंग पावर विल बी रिटन एज VO बाई UO 1 प्लस D बाई FE. इस बार ये यूज करना पड़ेगा तुम्हें. तो हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, हमें फोकल लेंथ बताई हुई है दोनों लेंस की, मतलब VO शायद से फिर से ऐसे ही पता करना पड़ेगा, D पता है, FE पता है, और ऑब्जेक्ट का लोकेशन भी बता दिया है ऑब्जेक्ट from the objective. तो VO बिल्कुल वैसे ही बता लगाएंगे बच्चों. So 1 upon VO is equal to 1 upon UO plus 1 upon FO. That means 1 upon 9 by 2 with a minus sign plus focal length कितनी है? Objective lens के लिए 1 by 4 है. बढ़िया. तो ये है 2 by 9 minus 2 by 9 1 by 4. तो ये हो जाता है minus 8 प्लस 9 बाई 36 1 बाई VO. तो VO का वैल्यू आता है बच्चों प्लस 36 सेंटीमीटर्स. तो ऑब्जेक्टिव लेंस से राइट साइड पे फॉर्म होने वाली है तुम्हारा इमेज जो है पहली, जो कि आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है. तो फाइनल मैग्निफिकेशन आता है 36 बाई 9 बाई 2 एंड 1 प्लस 24 बाई 8, है ना. आईपीस के लिए फोकल लेंथ का वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर. तो ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, ये कैंसिल होता है 4 टाइम्स, 2 ऊपर गया तो 8 बना और ये हुआ 4. दैट मींस 32 इज द ओवरऑल मैग्निफिकेशन. डू यू गाइस गेट इट? ओके, रिलैक्स मनु, दैट्स
totally fine, not a problem at all. Okay? मेरे मोगैम्बियंस लाइव और बाद में भी सेशंस देखते हैं इसीलिए. सो दैट्स द आंसर, 32 सेंटीमीटर इज द आंसर. अगला सवाल भी देखते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं. इसमें बोला है द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन ऑफ 10. ठीक है एवरीवन, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन 10 इन ऑर्डर टू गेट एन ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ 100 व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस शुड बी हाउ मच. तो यार इस बार ऑलरेडी हमें ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन दे दिया और ये भी बता दिया कि फाइनल इमेज जो है वो एलडीडीवी पे फॉर्म होने वाली है बच्चों. दैट मींस व्हाट, जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन हम बोलते हैं इज इक्वल टू एमओ इनटू एमई. एमओ का वैल्यू दिया है और एमई नहीं बताया लेकिन फोकल लेंथ पूछा है. तो इसे मैं लिख सकता हूं 1+D/FE. ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आईपीस के लिए इमेज इज इवेंचुअली गोइंग टू फॉर्म दैट एलडीडीवी. ठीक है, तो m का वैल्यू हमें दिया है 100 और मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव दिया है 10, 1+D/FE. ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, वो इधर आया 9 इज इक्वल टू 25/FE. FE का वैल्यू मिलता है 25/9 सेंटीमीटर. आई होप दैट इज एन ऑप्शन. ओके एवरीवन, वेरी गुड एवरीवन. सो दैट्स द आंसर, गुड एनफ. चलो अब बात करते हैं हम लोग टेलीस्कोप के बारे में. टेलीस्कोप का भी डिस्कशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है हमारे लिए. ठीक है गाइस, तो व्हाट एग्जैक्टली इज टेलीस्कोप, वी ऑलरेडी आर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट जो चीजें हमसे बहुत दूर होती हैं, जिन्हें हम ऐसे भी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की इमेज को फॉर्म करके हमें उसकी एक क्लियर इमेज दिखाने वाला डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है टेलीस्कोप. उसमें भी हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में, विच इज बेसिकली गोइंग टू बी यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये भी दो लेंसेज से मिलकर बनेगा, एक होगा आईपीस, एक होगा ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव विल बी बिगर हियर और ज्यादा अपर्चर होगा, ज्यादा फोकल लेंथ होगी और ज्यादा लाइट को वो ग्रास्प कर सके. उसके अलावा जो तुम्हारे आंखों के पास में होगा वो होगा आईपीस और रिलेटिवली ज्यादा मैग्नीफाई कर सके, इसीलिए बहुत छोटा होता है, उसकी पावर ज्यादा होती है. ओके एंड रिमेंबर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम एडजस्ट कर पा रहे होते हैं, लेकिन अभी जब रे डायग्राम देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रे डायग्राम होता है. जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्टार्स एंड अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर डेफिनेटली प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो उनकी जो इमेज फॉर्म होगी वो डेफिनेटली पहले वाले लेंस के फोकस पे फॉर्म होगी, ये हम सबको पता है, राइट? ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट यानी कि स्टार्स, मान लो तुम किसी स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हो, मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मून एंड स्टार्स आर एट वेरी फार अवे डिस्टेंस, कंसीडर्ड टू बी इनफाइनाइट डिस्टेंस. वहां से आने वाली लाइट रेज बेसिकली पैरेलल आएंगी और पैरेलल आएंगी तो इस लेंस के फोकल प्लेन पे फोकस हो जाएंगी. तो दिस इज बेसिकली द फोकस और फोकल प्लेन, ये फोकल लेंथ है ऑफ ऑब्जेक्टिव. हम कोशिश करते हैं कि ये जो इमेज फॉर्म हो रही है पहली इमेज, वो दूसरे लेंस के भी फोकस पे फॉर्म हो रही हो. इससे क्या होगा, अब ये जब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो फाइनली जो इमेज फॉर्म होनी है, जो फाइनल इमेज हमें दिखाई देगी, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म होनी चाहिए, विच बेसिकली मींस इतनी बड़ी हो कि हमें दिखाई दे. तो पॉइंट इज गाइस, यहां पे जब हम अब एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे विच इज बीटा अपॉन अल्फा, तो देखो कितना आसानी से हम उसे डिफाइन कर पाएंगे. जब हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइन कर रहे हैं, पे अटेंशन टू दैट, एंगल सबटेंडेड डायरेक्टली यू नो ऑब्जेक्ट्स जो आई पे सबटेंड होने वाला एंगल है टू विच इट इज सबटेंडेड बाय द लेंस और द आई. ओके, जो फाइनल इमेज ने इस सिचुएशन में एंगल सबटेंड किया दैट इज बीटा डिवाइडेड बाय जो पहले डायरेक्टली आंख से देख रहे होते या इस लेंस पे पड़ने वाला जो एंगल है दैट इज बेसिकली और अल्फा. इन दोनों का रेशियो एंगुलर मैग्निफिकेशन है. तो यहां से तुम देखो, अगर मुझे अल्फा डिफाइन करना है इस छोटे वाले ट्राइंगल से, तो इस छोटे ट्राइंगल से मैं डिफाइन कर सकता हूं अल्फा दिस एंगल एज h/FO, दैट्स योर अल्फा h/FO, और बीटा डिफाइन होता है h/FE, क्योंकि उस साइड पे भी वही फोकल लेंथ है. ठीक है, तो वही चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिफाइन करते हैं, या इस एंगल को हम लोग बीटा डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये अल्फा डिफाइन हुआ तो यहां से अगर मैं छोटा एंगल डिफाइन करता हूं तो वो बीटा डिफाइन हो जाता है. ठीक है एवरीवन,
यस, तो बहुत सिंपली हमें मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन मिलता है एफ ओ बाई एफ ई, और क्योंकि दोनों लेंसेज ऐसे प्लेस हैं कि जो बीच में इसके लिए इमेज और उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है वो इस तरह से प्लेस हुआ है कि दोनों के ही फोकस पे फॉर्म होने वाली लोकेशन है उस इमेज की या अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट की, तो दिस बेसिकली बिकम्स द लेंथ ऑफ द इंटायर टेलीस्कोप ट्यूब एफ ओ प्लस एफ ई। मतलब बहुत सिंपल से एक्सप्रेशन है याद रखने के लिए भी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ ओ बाई एफ ई हो गया और जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है वो एफ ओ प्लस एफ ई हो गया। As simple as that. Okay, everyone? Are we all ready to do the final problem solving? Yes, before that, क्योंकि तुम्हें मालूम है जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो यहां पे इन्वर्ट हो जाएगा, है ना? You can see that जो पहली इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल है, तो रियल हमेशा इमेज जो फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड होती है। मतलब अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूर से देख रहे हो ऐसा था तो उसकी इमेज उल्टी हो चुकी है, अब उसी उल्टी इमेज का जब फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो भी उल्टा ही फॉर्म हो रहा है, तो हमें जिस चीज को देखना है वो उल्टा दिखाई दे रहा होगा। तो उस इमेज को सीधा रखने के लिए वी यूज अ थर्ड इरेक्टिंग लेंस इन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस सो दैट द फाइनल इमेज विच इज फॉर्म्ड इज ऑल्सो इरेक्ट। और इसको ऐसे प्लेस किया जाता है कि जो लेंथ ऑफ द ट्यूब बनती है वो अब तक एफ ओ प्लस एफ ई थी, उसमें फोर टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है? बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी गेट इज द फाइनल इमेज व्हिच इज ऑफ द सेम ओरिएंटेशन एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हो गया, तो मून को देख रहे हो तो मून उल्टा नहीं दिखना चाहिए, सीधा ही दिखना चाहिए जैसा तुम डायरेक्टली देख रहे होते हो, बिल्कुल वैसा। दैट इज हाउ दिस वर्क्स, ठीक है? तो चलो बिफोर वी रैप अप लेट्स सी द एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन द टेलीस्कोप एज वेल। सब लोग रेडी हैं? सिंपल से सवाल से शुरू करेंगे। पहला सवाल है, In an astronomical telescope, the focal length of two lenses are given. What do you think will be the magnifying power in the normal adjustment? So, normal adjustments mein FO by FE, ye jo ratio hai, yehi magnifying power hoti hai. So, everyone, FO ka value hume diya hua hai 180 cm, FE ka value 6 diya hua hai. So, ye value hume mil jati hai 30. As simple as that. Very good. Good enough. Got it. अगला सवाल, the focal length of the objective and eyepiece of a telescope are again given to us 60 and 10. The magnitude of the magnifying power when the image is formed at the infinity, मतलब वही normal adjustment की बात हो रही है, तो magnification हो जाएगा फिर से f o by f e, that is this time 60 by 10 or simply 6. Solve कर रहे हो? Solve कर रहे हो? जल्दी जल्दी। Okay, guys. So everyone, अब आते हैं थोड़े अलग अच्छे सवाल पे। इसमें बोला है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल इज बेसिकली और सेकेंड टेलीस्कोप विच वी स्पोक अबाउट, मैं उसका शायद नाम लेना भूल गया था, दिस इज कॉल्ड, पहला वाला था एस्ट्रोनॉमिकल ऑल्सो नोन एज गैलीलियो टेलीस्कोप, ओके, गैलीलियन टेलीस्कोप। दूसरा है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जिसको हम यूज कर रहे हैं सो दैट वी आर एबल टू सी द इमेजेस इरेक्ट, तो वही वाला टेलीस्कोप है जिसका हमें ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दिया है और मैग्नीफाइंग पावर इज ऑल्सो गिवन टू अस एज 20, ठीक है एवरीवन? तो ओवरऑल जो लेंस सॉरी टेलीस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर 20 दी हुई है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द इरेक्टिंग लेंस इज ऑल्सो गिवन देन द फुल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप विल बी हाउ मच। तो अगर मुझे फुल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप चाहिए विच इज बेसिकली एफ ओ प्लस एफ ई प्लस फोर टाइम्स द फोकल लेंथ एफ, तो एफ ओ दिया है, एफ भी पता है, एफ ई निकालने के लिए जरूर मुझे मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ेगी विच इज एफ ओ बाय एफ ई, तो यहां से एफ ई आ जाता है एफ ओ बाय एम, राइट एवरीबॉडी? Focal length of the objective is given to you as 80 cm, magnification is 20, that means this value comes out to be 4 cm. So, focal length of eyepiece bhi mil gaya. Main bola tha focal length kam hoti hai taki uski power zyada ho, acha magnification ko kar paaye. So, focal length of objective 80, focal length of eyepiece is 4, and 4 times the erecting lens ka focal length, that is 20. So, ye value bhi 80 ho gayi, 80 plus 80, 160, 160 plus 4. is 164, ये लेंथ होगी तुम्हारे टेलीस्कोप की बाय द वे, ठीक है? इतना लेंथी मतलब ऑलमोस्ट 1.5 मीटर से थोड़ा ज्यादा
लेंथ होगी माइक्रोस्कोप जो हम लोग टेलीस्कोप जो यूज कर रहे हैं उसकी. ओके एवरीवन अगला सवाल. ओके ट्राई टू सॉल्व दिस. आई गेस दिस इज ऑल्सो आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5 फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज ऑल्सो गिवन. So the final image is formed at infinity. Find out the focal length FO and the focal length of eyepiece. तो हमें पता है यार कि magnification जो है वो FO by FE होता है और वो value दी है 5. इससे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि FO is greater than FE जो होना भी चाहिए. दूसरा length होता है FO plus FE. जब तुम्हारी final image infinity पे form होती है तब तो बिल्कुल. और ये हमें दे रखा है 36. You have two equations. तुम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो है ना. दोनों को ऐड करके देखो और न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड किया जाता है. जब हम लेंथ की बात करते हैं बच्चों तो इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट यू ऐड. न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करने पर या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी करके देख सकते हो. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ ओ एज 30 सेंटीमीटर एंड एफ ई एज 6 सेंटीमीटर. दैट्स योर आंसर. क्या बोलते हो बच्चों? वेरी गुड ऑसम. We have the final answer as option D. Okay? So this brings us to the end of the session and the end of ray optics as well. Okay? So हम लोगों ने बहुत ही power packed तरीके से पूरा ray optics complete किया है. हमने start किया था हमारा discussion with the discussion of plane mirror. Reflection से हमारा discussion start हुआ था. Spherical mirror पे हमने discussion किया. फिर जब हमने refraction start किया तो वहाँ पहले हम लोगों ने प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन, प्रिज्म का रिफ्रैक्शन, उससे फॉर्म होने वाला डिविएशन और डिस्पर्शन का डिस्कशन हमने किया. देन इन द प्रीवियस क्लास वी स्पोक अबाउट स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन इंक्लूडिंग व्हाट वी स्पोक अबाउट इज लेंसेज के थ्रू होने वाला रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग. और आज उन्हीं का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने स्टडी किया इन द फॉर्म ऑफ द डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस, राइट. सो आई होप यू गाइस हैड फन. अगर मजा आया होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, है ना. और अगर वेव पे मेरे सेशंस में आना चाहते हो, जैसा कि somebody in the beginning 2023 aspirant was asking what exactly is wave, so I'll show you what exactly wave platform is. This is how the wave platform looks like. अब मैं यहाँ पे अपनी अच्छी फोटो लगाऊंगा क्योंकि अब मैंने अच्छा हेयर कट करवा लिया है. नाउ आई डू नॉट लुक लाइक दिस एनी मोर. सो आई विल गेट अ न्यू सेशन इमेज प्लेस हियर. बट दिस इज बेसिकली हाउ your wave platform looks like. This is where you are able to interact with me, with the master teacher basically. और तुम जो यहाँ पे देख रहे हो यार, ये basically doubt panel है. Unlimited number of doubts are being answered there, not just by your master teacher. We are your master teachers. In the class, you have your class teachers as well. CTs होते हैं, okay? बहुत सारे CTs होते हैं which are there. Obviously they are subject matter experts there. They themselves are the people who are teaching. तो वो तुम्हारे doubts को answer करते हैं live during the class. This is where we are explaining anything. This everything is happening live whenever it happens in the class. ठीक है? Obviously, you can watch the replays of this session. जो भी हम लोग लिखते हैं, वो in the form of PDF तुम्हें मिल जाया करता है. Not just that, guys. During the class, अगर किसी को doubt होता है, तो we can unmute you. Unmute कर सकते हैं, uncam भी कर सकते हैं. Uncam मतलब हम video conferencing से भी बातें कर सकते हैं. और उस तरह से हम तुम्हारे doubts को सुनते हैं, समझते हैं और answer भी करते हैं. जितने भी डाउट्स हैं वो इस तरीके से आंसर होते हैं, एक तो डाउट पैनल पे और उस तरह से बाय अनम्यूटिंग. देन ड्यूरिंग द क्लास वी कंडक्ट क्विजेस. जैसे अभी तुम लोग मेरे साथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, बट यू गाइस हैड टू रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, बट आई डू नॉट गेट टू अंडरस्टैंड कि किसने क्या आंसर दिया, कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, कितने लोग गलत आंसर दे रहे हैं. जब हम लाइव क्विज सेशन में रखते हैं तो हर कोई पार्टिसिपेट कर पाता है और पूरी क्लास ने क्या आंसर दिया है, हाउ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास हैज बीन इन अ गिवन क्वेश्चन ऑफ द क्विज, वो हमें मालूम पड़ता है पिन पॉइंटेडली विद डेटा सपोर्ट. ओके नॉट जस्ट दैट गाइस, पूरी क्लास के एंड होने के बाद में वी गेट टू सी द लीडर बोर्ड. यू गेट टू नो हाउ वेल डिड यू डू इन द गिवन सेशन. ऑब्वियसली मजा आता है ये सारी चीजें जब होती हैं, प्रेस्टीज पॉइंट्स होते हैं. ये तो हुई क्लास की बात. क्लास के बाद में अगर हमें डाउट्स है तो हम क्या करें, अगली क्लास का वेट करें? नहीं, वी डोंट हैव टू. वी कैन जस्ट क्लिक द इमेज ऑफ आवर डाउट, पोस्ट इट ऑन द डाउट ऐप एंड सी दिस इज हाउ you get to interact with the subject matter experts. They answer your doubts. Or, jitna bhi explanation tumhe chahiye hota hai till the time you are satisfied, that keeps on going on. So you don't have to actually wait for the next class to happen. You can keep on asking your doubts. Okay?
नॉट जस्ट दैट गाइस, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जेई का एग्जामिनेशन अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो चुका है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए, दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव। तो तुम्हें प्रैक्टिस अगर ऑनलाइन करनी है तो वेदांतु इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट, बिकॉज जितने भी टेस्ट वेदांत देते हैं, वेदांत जितने भी टेस्ट देते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं, दे आर ऑल ऑनलाइन टेस्ट। यस एब्सोल्युटली, जस्ट बेसिकली अगर तुम्हें इंग्लैंड में जाकर टेस्ट के मैच खेलना है तो तुम इंडियन कंडीशंस में प्रैक्टिस ना करो, बिल्कुल वो वाली बात है। तो तुम्हें अगर ऑनलाइन एग्जाम देना है तो तुम ऑफलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस मत करो। दिस इज व्हाट इज द बिगेस्ट गेम चेंजर जो अभी इंडिया के साथ हो रहा है, वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, तुम्हें मैच जीत के आना है वहां पे, ठीक है। सो गाइस, ऑब्वियसली एग्जाम हो जाने के बाद में वी एक्सपेक्ट आवर रिजल्ट्स, एंड आवर रिजल्ट्स आर नॉट जस्ट योर स्कोर, सिंपल स्कोर्स, वी गिव यू अ डिटेल्ड एनालिसिस कि तुमने कहां सही किया, क्या गलत जा रहा है, किस टॉपिक के सब टॉपिक लेवल पे तुम गड़बड़ कर रहे हो। That's what you get to know so that you can improve in the right direction at the right time also. Okay? Yes. बात करते हैं अभी। और बच्चों इसीलिए कोई सरप्राइज नहीं है that these many number of students have already made us proud, made themselves proud, made their parents proud, and the numbers have actually improved in JEE Main number 3. And no surprises, जब JEE Main 4 का result आएगा तो we'll be back with you to share that result also. Do join us in that time. We will tell you how the results have been. ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट गाइस, चेरी ऑन द टॉप इज टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि यार ये जेईई प्रिपरेशन के लिए तुम्हें एक्चुअली टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस, टू गिव योर पेरेंट्स दैट कॉन्फिडेंस, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। मतलब ये कि जब तुम वेदांतु ज्वाइन करते हो किसी लक्ष्य के साथ में, किसी एम के साथ में, तो यू डेफिनेटली एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी इंप्रूव्ड। ऑब्वियसली तुम्हें भी मेहनत करनी है अलॉन्ग विद द मास्टर टीचर्स एंड द एंटायर सिस्टम, और वो इंप्रूवमेंट होगा इज द प्रॉमिस। नहीं होता है तो क्या, nobody takes that guarantee, but we give that guarantee that if that doesn't happen, if you don't find that happening, then we will give you a fees back as well. Okay? So, बिंदास join करो और start करो अपनी पढ़ाई। अगर तुम KVPY के लिए prepare कर रहे हो, तो KVPY की preparation के लिए crash course है जो 16th of August को start हुआ था बच्चों, है ना? बहुत सारे students हैं जो KVPY के लिए prepare करते हैं, तो this is a crash course that you can join. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, मैं तुम्हें वो भी दिखा दूंगा। फीस एक्चुअली 6000 है, पर अगर ये कोड तुम यूज करते हो SNKVPY, जो कि ऑलरेडी उस लिंक में लगा होगा, तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, तुम्हें सिर्फ क्लिक करना है 4000 rupees, ज्वाइन, टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ इट। और अगर मेरे प्लेटफॉर्म, जो मैंने बोला था किन बैचेस को मैं पढ़ा रहा हूँ, दीज आर द बैचेस दैट आई एम टेकिंग राइट नाउ ऑन वेव प्लेटफॉर्म। संकल्प का JEE बैच है विच इज फॉर 12th, दृष्टि का JEE बैच है विच इज ऑन 11th, दैट आई एम टीचिंग करंटली। और उसको ज्वाइन करने से पहले तुम्हें वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। दैट प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान हैज 3 पॉसिबिलिटीज। दिस इज प्रो लाइट, प्रो क्लासिक इज प्रो लाइट प्लस डाउट सॉल्विंग ऐप, प्रो प्लस इज प्रो लाइट प्लस डाउट सॉल्विंग ऐप प्लस पर्सनल मेंटर। तो ये है मंथली फीस, अगर तुम मंथली ज्वाइन करना चाहते हो। अगर तुम पूरा सिलेबस कोर्स करना चाहते हो तो दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। ये वो कोड है, पर तुम्हें वो अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। ओके, सेम फॉर ड्रॉपर्स, सेम सिचुएशन। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है बच्चों। आई शो दैट लिंक टू ऑल ऑफ यू गाइस सो दैट यू गाइस गेट टू सी कि हमें कहां से ज्वाइन करना है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड ना गाइस, इसे सेव किया जाए और यहां चला जाए। तो ये है हमारा चैनल, दिस इज द सेशन व्हिच इज गोइंग ऑन करंटली एवरीबॉडी। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाते हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यहां देखो ये है KVPY का क्रैश कोर्स, क्लिक ऑन इट। ओके, इट विल आस्क यू फॉर द लॉगिन, लॉगिन करो बढ़िया, और लॉगिन करने के बाद में जस्ट एनरोल फॉर इट विदाउट एनी फर्दर कूपन कोड रिक्वायर्ड, इट नेचुरली अप्लाइज फॉर यू। अगर तुम 12th में हो, ठीक है, तुम कौन सा कोर्स करना चाहते हो, अगर JEE का कोर्स करना है तो JEE के लिए पूरी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। अगर रिसेंटली जो JEE का सॉरी CBSE का नया फॉर्मेट शुरू हुआ है, इफ यू वांट टू गो फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दैट आल्सो, 12th स्टैंडर्ड CBSE साइंस, इस पे क्लिक करो, अकॉर्डिंगली फीस चेंज हो जाएगी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला था 10% ऑफ लेने के लिए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट कोड इज नेचुरली अप्लाइड हियर SN Pro, इट गिव्स यू 10% ऑफ। तो अगर मंथली ज्वाइन करना है क्लिक करो, एनुअली ज्वाइन करना है क्लिक करो, एंड स्ट्रेट अवे कम टू द क्लास, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों, सो आई होप यू गाइस आर
well clear about all these things. क्या बोलते हो? Everyone. So अगर और कोई doubts हैं, do write that in the comment box. Right, everyone. उसके अलावा वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना इफ यू गाइस एंजॉयड द सेशन अलोंग विद द एंटायर ऑप्टिक्स का यूनिट. 3 ऑप्टिक्स जस्ट गॉट कंप्लीटेड. और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट व्हेनेवर मोगैम्बो कम्स लाइव यू गेट द नोटिफिकेशन. ओके पीपल, सो आई विल जॉइन यू वेरी सून, वी विल मीट अगेन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे.